नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश में मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव के लिए बिसातें बिछने लगी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। साल 2019 में प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से जो है 28 पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस ने एक सीट पर कब्जा जमाया था। फिलहाल एमपी में 5 लोकसभा सीटें जो हैं खाली हैं। इस बार लोकसभा इलेक्शन में विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं लोकसभा सीटों के समीकरण पर। तो सबसे पहले बात हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत हासिल की है। 223 विधानसभा सीटों में से 163 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, तो वहीं 66 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी है कांग्रेस। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को विधानसभा में ऐतिहासिक जीत का फायदा मिल सकता है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में से 23 को एमपी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिला है और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती है, जिनमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, मुरैना, भिंड, गुना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा और बैतूल शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें आती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। वहीं कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया था। इस बार भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा सीट पर है। वहीं पार्टी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल का टारगेट रखा है, लेकिन भाजपा के लिए छिंदवाड़ा सीट जीतना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और बीजेपी ने एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह और रीति पाठक और गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह को टिकट दिया था। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी, जबकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल एमपी की 29 लोकसभा सीटों में 5 सीटें खाली है। एमपी में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में पार्टी ने एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर 7 क्लस्टर बनाया है और अब 7 शहरों में लोकसभा वार रूम बनाने की तैयारियां की जा रही है। सत्ताधारी दल भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी जमावट शुरू कर दी है। वहीं साल 2019 में 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी और वहीं जो है कांग्रेस के खाते में जो है एक सीट आई थी। इस बार बीजेपी ने सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। क्लस्टर में ये नेता उतरेंगे, जिनमें जो है कैलाश विजयवर्गीय, मालवा क्षेत्र की 5 लोकसभा सीटें हैं उनके पास, जो इंदौर, देवास, धार और खरगोन और खंडवा। वहीं राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो विंध्य क्षेत्र की 4 सीटें हैं इनके पास, रीवा, सतना, सीधी और शहडोल। वहीं बात की जाए जगदीश देवड़ा की, उज्जैन संभाग की 3 सीटें हैं इनके पास, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। वहीं प्रहलाद पटेल महाकौशल की 4 सीटें हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। नरोत्तम मिश्रा को जो है ग्वालियर, चंबल की 4 सीटें दी गई है, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना और भिंड। और भूपेंद्र सिंह बुंदेलखंड की 4 सीटें इनको जो है मिली है, सागर, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो। और विश्वास सारंग को जो है भोपाल, नर्मदापुरम की 5 लोकसभा सीट, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल और राजगढ़, इनको जो है इन सीटों पर क्लस्टर बनाया गया है। वहीं बात की जाए तो प्रदेश की छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार, गुना, खंडवा और खरगोन लोकसभा क्षेत्र से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों से जो है कांग्रेस जीती थी, इस कारण यहां से किसी को मंत्री बनाना संभव नहीं था। जिन विधानसभाओं में से मंत्री नहीं बनाया गया है वह भाजपा को कितना नुकसान
इसमें होगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में कोई खास हलचल दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ मिलकर दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता नजर नहीं आ रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।